अंधेरा बहुत जरूरी है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हम लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवीयां अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, वीडियो एंजॉय करें प्लीज। डायनामिक ब्लड है मेरा, मेरे ब्लड में। 2023 में आई इसी साल रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी वीरम, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। कन्नाडा भाषा की मूवी है ये, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है ये। मूवी में लीड रोल में नजर आएंगे दोस्तों आपको प्रज्वल देवराज, रचिता राम जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी के अंदर दिखाया गया है वीरू और नरसिम्हा दो भाई होते हैं जो अपनी बहन सरस्वती के साथ पले बड़े होते हैं, लेकिन दोनों ही अपने जीवन में बड़े होकर अलग अलग रास्ता चुनते हैं। आगे उनकी लाइफ में क्या दिशा मोड़ लेती है जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस सब देखने को मिल जाएगा, एक्शन से भरपूर है ये मूवी, आपको काफी पसंद आएगी, वन टॉप वॉच इसे कह सकते हैं दोस्तों, तो आपको काफी अच्छी लगेगी। तो प्लीज वॉचिंग दोस्तों यूट्यूब पर ही मिल जाएगी आपको, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसका। क्या आप इन्हें पहचानती है? कोई मुझे फॉलो कर रहा है नील। 2022 में आई सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ब्लर, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.9। 62 गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों मूवी में लीड रोल में नजर आएंगे आपको तापसी पन्नू। स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों स्टोरी लाइन में दिखाया गया है धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी गवा रही गायत्री अपनी जुड़वा बहन की असंभाविक मौत के सदमे में है और उसके पीछे की असली सच्चाई जानने का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चक्कर में एक बेहद डरावनी साजिश में फंस जाती है। अब आगे क्या होता है उसके साथ ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर आपको सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिल सब देखने को मिल जाएगा। मूवी बहुत अच्छी है दोस्तों, मूवी यूट्यूब पर अपलोड है, मिल जाएगी आपको ये मूवी, वन टाइम वॉच कह सकते हैं। मूवी देखिए आपको काफी पसंद आएगी। आंखें बंद करके लोगों को देखो, बहुत बेहतर नजर आते हैं। में आई मिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी डॉक्टर, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। तमिल भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है। मूवी के अंदर लीड रोल में नजर आएंगे आपको शिव कार्तिकेया, विनय राय जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी के अंदर दिखाया गया है जब एक मिलिट्री डॉक्टर की मंगेतर की भतीजी का अपहरण कर लिया जाता है तो वो डॉक्टर और उनकी टीम क्विट टीम उसकी तलाश शुरू कर देती है। इस तलाश के दौरान वो बहुत बड़े रॉकेट का पर्दाफाश कर देते हैं। अब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी क्या वो बच्चे ढूंढ पाएंगे या नहीं, और कि वो मोटिवेट टीम काम कर पाएगी या नहीं, या फंस जाएंगे किसी और जाल में, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर सब देखने को मिल जाएगा। मूवी बहुत अच्छी है, यूट्यूब पर अपलोड है, देख लेना दोस्तों। म्यूजियम के अंदर इतनी सिक्योरिटी है, वो असली उठा के नकली कैसे रख गए? 2022 में आई रॉबरी थ्रिलर मूवी चोर बाजार, जिसकी IMDb रेटिंग 4.4। तेलुगु भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है ये। मूवी की लीड रोल में नजर आएंगे आपको आकाश पुरी, रोहिणा सिप्पी जैसे अन्य कलाकार। मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी के अंदर दिखाया गया है हैदराबाद के एक रॉयल ममी म्यूजियम से 200 करोड़ का निजाम हीरा गायब हो जाता है और पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। तभी पुलिस को ये पता चलता है कि हीरा चोर बाजार में ही है। अब आगे क्या होता है, क्या वो चोर पकड़ पाएंगे या नहीं, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर रॉबरी थ्रिलर का तड़का लगाया गया है, मूवी आपको काफी पसंद आएगी। मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और ड्रामा सब देखने को मिल जाएगा। मूवी आपको यूट्यूब पर ही अपलोड है, मिल जाएगी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसका, प्लीज वॉचिंग। तो हम तुम्हारा बाप लगते है, नाम है बच्चन, बच्चन साहब। 19 साल का है, इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा है? शैतान की कोई उम्र नहीं होती है। 2018 में रिलीज हुई साइंस क्राइम पर वाली मूवी हैक्ड, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.5। 70% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। स्टार कास्ट के बारे में बात करो दोस्तों, मूवी में लीड रोल में नजर आएंगे आपको हिना खान, रोहन शाह जैसे अन्य कलाकार। मूवी की कहानी के बारे में बात करो दोस्तों, मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है कि कहानी में जब समीरा नाम की एक लड़की जो कि बहुत खूबसूरत होती है, एक टीनेजर लड़का जिसका नाम विवेक होता है, उसका प्यार को ठुकरा देती है। अब विवेक जबरदस्ती उसके प्यार को हासिल करने और उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए हैकिंग का सहारा लेता है। अब आगे क्या होता है, समीरा इन सब से कैसे बचेगी, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी काफी अच्छी है, आपको वन टाइम वॉच इसे कह सकते हैं। मूवी यूट्यूब पर ही अपलोड है, मिल जाएगी दोस्तों, तो प्लीज वॉच दोस्तों। चाणक्य ने कहा था, एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए सीक्रेट्स की जरूरत पड़ती है और वो मैं कंट्रोल करता हूँ।